हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेन 2024, जिसमें हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करेंगे एंड एज लिमिट की बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। तो इसमें अगर आप जेईई मेन का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको वहाँ पर दो नए सेगमेंट दिखेंगे। सबसे पहला है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंड इशू डेट। ये आपका जो है अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, ये आपका अदर कास्ट के लिए है। जो आपको जो है ये आपका नंबर, सर्टिफिकेट नंबर एंड इशू डेट आपको फिल करना पड़ेगा अदर कास्ट के लिए। अब मूव करते हैं नंबर ऑफ अटेंड। तो नंबर ऑफ अटेंड जो है जेई मेन के लिए नहीं है, ये आपका केवल जो है जेई एडवांस वालों के लिए है, जिसमें आपका जो है नंबर ऑफ अटेंड इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो इसमें आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, आपका एज लिमिट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।